नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियात के तौर पर यह करने के लिए कहा कि खड़े होकर पानी न पिए, बैठ कर पानी पिए। ठीक है, इजाजत है, नहीं है तंजीह है, मना किया जा रहा है, लेकिन एहतमाम करेंगे, बचपन से उसकी प्रैक्टिस होगी तो फायदा होगा। खड़े होकर पानी न पिए, बैठ कर पानी पिए। मुसनद अहमद की एक हदीस, हदीस नंबर 8003, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि वो खड़े होकर पानी पी रहा है। रआ रजुलन यशरबु क़ाइमन, कि एक आदमी खड़े होकर पानी पी रहा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फ़क़ाल लहु क़िह, तुमने जो पानी पिया है उसको कह करके उगल दो। गौर से सुनिएगा, खड़े होकर जिसने पानी पिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कह करके उसको उगल दो। गौर करने की बात है, हमारे सामने, आप लोगों के सामने कोई भी ऐसा कर रहा, टोकते हैं क्या? प्यारे अंदाज से टोकना चाहिए, बताना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कह करके तुम पानी को फेंक दो, उगल दो। उस आदमी ने कहा ले मा, क्यों ऐसा? तो आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अयसुर्रो का अयशरबा मा का अलहिर्रो, क्या तुम्हें यह पसंद है कि तुम्हारे साथ बिल्ली पानी पिए? तो उसने कहा नहीं, ला, उसने कहा नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फइन्नहु कद शरिबा मअका मन हुवा शर्रु मिन्हु अश्शैतानु, तुम्हारे साथ होकर उससे भी ज्यादा बुरे ने पानी पिया है। कौन है वो बुरा? वो शैतान है। तो खड़े होकर अगर पानी पिएंगे तो शैतान हमारे साथ पानी पीने लगता है, गोया के वही पी रहा है, हम कहाँ पी रहे हैं। तो खड़े होकर पानी पीना यह शैतान का तौर तरीका है, उससे बचना चाहिए। हाँ, कभी कभी गुंजाइश हो सकती है कि भाई आदमी के अंदर परेशानी है, बैठने की जगह नहीं है, या उसका जिस्म भारी भरकम है, या उसने जो लिबास पहन रखा है वो तकलीफ देह है, तकलीफ हो सकती है, तो गुंजाइश निकल सकती है। लेकिन आदमी के लिए जरूरी है कि वो एहतियात करे, जितना ज्यादा एहतियात करेगा शैतान के शर से वो महफूज रहेगा। अल्लाह हम सबको उसकी तौफीक दे। जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए।